हेलो फ्रेंड, दिस इज स्वाधीन एंड वेलकम टू आवर चैनल एच डी ग्लोबल बायोटेक। सो दोस्तों, आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, स्पेशली जो कोई फिश है, जो वियतनामी कोई है, ठीक है। उसमें एक पर्टिकुलर डिजीज आपको देखने को मिल रहा है, वो डिजीज फंगल डिजीज है। तो हम उस डिजीज के ऊपर हम बात करेंगे, सेप्रोलैग्नियसिस। ये क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और अभी ठंडे के मौसम में ही ये होता है और क्यों होता है, ये भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हम डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो और आपको, और मुझे लगता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इस वीडियो में मिल जाएगा फिलहाल इस डिजीज़ के बारे में। आज का जो टॉपिक है ये फंगल इन्फेक्शन है, सेप्रोलैग्नियसिस। ये स्पेशली विंटर के सीजन में होता है, ठीक है। ये आपको कोई मछली पे अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस पर मॉर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को लगता है सीड डिफेक्टेड है, बहुत सारे इसका रीज़न है। हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली क्या है, कैसे आता है, इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करें और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी डिजीज होता है ये मेनली ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, होस्ट किस कौन से बॉडी पे होता है, पैथोजन कौन से बैक्टीरिया है, वायरस फंगस है, और कौन से एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं। तीन चीज़ों के लिए मेनली डिजीज कोई भी क्रिएट होता है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, जनरली आपको दिखेगा टैंक पे जो आपको जो कोई मछली है या सेप्रोलैग्नियसिस से जो भी इन्फेक्टेड मछली है, पूंछ के तरफ से आप देखना एक जेली जैसा हो जाता है, उसमें पूंछ सर जाना, ठीक है। वो अपने आप निकल रहा है, ठीक। गिल के उधर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ कोई कुछ बॉडी में कहीं पे कॉटन जैसा, तूले जैसा, कॉटन जैसा कुछ वाइट कलर का कुछ पैचेस दिख रहा है, ठीक है। और कभी कभार इंटरनल भी इंजुरी होता है, ठीक है। गट को बहुत प्रॉब्लम करता है ये, ठीक है। गिल को उसमें बहुत डैमेज करता है, तो आप फोटो देख कर समझ ही सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको और डिटेल्स पे अभी बोलूँगा अभी, ठीक है दोस्तों। तो मेनली ये जो फंगस है, ठीक है, इसमें इसके कुछ नेचर है, थोड़ा प्रोटोजोआ जैसे मिलता है, क्योंकि इसका सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों रहता है, ठीक है नेचर। तो ये जो फंगस है इसका नाम है सेप्रोलैग्निया पैरासाइटिका, ठीक है। और ये अपना जो हाइफे होता है, ठीक है, हाइफे मतलब एक लंबा एंटीना जैसा होता है, ठीक है, उसमें एक थोड़ा पोटली जैसा होता है, उसमें जू स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स मतलब छोटे छोटे, जैसे आप प्रोबायोटिक में बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, फंगल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये स्पेशली सिर्फ ठंडी के मौसम में ही रिलीज होता है फंगस से, और ये ऑलमोस्ट जितने भी तालाब होता है ठंडी के टाइम में, हर तालाब में स्पोर्ट्स आपको मिलता है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स आपको मिलता ही है, इन शॉर्ट आप पकड़ लो जितने भी मछली आप लेके आ रहे हो, या आप वाटर प्रिपरेशन से पहले वाटर आप टैंक पे दे रहे हो, ऑन एन एवरेज मोस्टली ये वाटर पे ये जो स्पोर्ट्स होता है ये ऑलरेडी रहता है, ठीक है। उसके बाद जब मछली पे कोई स्ट्रेस आता है, या मछली के बॉडी से म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो निकल जाता है, या ट्रांसपोर्ट के टाइम पे मछली घिसता है, थोड़ा इन्फेक्शन होता है, या थोड़ा एक मछली दूसरे मछली को काट देता है, कांटा मारता है, जहाँ पे भी बॉडी का उसको थोड़ा भी टच होता है ना, स्पोर्ट जाके फैलना चालू होता है और इन्फेक्शन चालू हो जाता है। ये इन्फेक्शन बहुत रैपिडली ग्रो करता है, ठीक है। इसका तीन फेस होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी सेकेंडरी पे अगर पकड़ा जाता है तो ये ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है, टर्शियरी पे अगर जाता है जब ये इंटरनल और बॉडी के अंदर भी वो इफेक्ट करता है, तो मछली को बचाना बहुत मुश्किल होता है और आपका सीवियर डैमेज होता है, मतलब आपका 100% भी मछली मर सकता है इस डिजीज के लिए। क्योंकि अभी ये कोई मछली पे बहुत हो रहा है, थोड़ा बहुत सिंगी पे भी हो रहा है, ये मेनली कोई भी फ्रेश वाटर मछली पे ही होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया अभी क्या होता है कि हम लोग जब वाटर प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों, तब वाटर प्रिपरेशन करते हैं, तब हम जो वाटर अपने को मिलता है उस वाटर का हम डायरेक्टली मोलासेस प्रोबायोटिक ऐड करके चालू कर देते हैं, बट उस वाटर को हम डिसइंफेक्टेंट नहीं बनाते, उसमें जितने भी माइक्रोब्स है उसको हम किल नहीं करते। मैक्स टू मैक्स हम लैब में भेज देते हैं, वो बोल देता है कि देखो कोलिफॉर्म इतना है, ईकोला इतना है, फिब्रियो इतना है, और अगर ये परमिटेड लिमिट में है तो हम
चालू कर देते, और मैक्सिमम लोग तो हम पानी सैंपल भेजता ही नहीं है चेक, लेकिन इसका एक मेथड है, एक पर्टिकुलर रिएजेंट देने के बाद, ठीक है, ऑक्सीडेशन करते हो, फिर उसका एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा जब आप लोग मेरे फार्म में विजिट करने आओगे। वो कन्फर्मेशन टेस्ट के बाद आप पक्का बोल सकते हो कि उसमें 99.99% एक भी पैथोजन नहीं है, ये सिर्फ 3 से 4 दिन में हो जाता है सारे रिजल्ट, उसके बाद आप डायरेक्टली वाटर प्रिपरेशन के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये कैसे ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये जो जूस पोर्स होता है वाटर थ्रू में आता है, सिर्फ ये विंटर में ही आता है। होस्ट कौन सा है, ये हर टाइप के फिश में होता है, जो सॉल्ट वाटर फिश होता है, स्पेशली जो हैचरी में जाते हैं जब अंडे रहता है मछली का, जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं, छोटे छोटे बेबी होते हैं मछली के, उसमें ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है इसको, और बड़े मछली पे भी होता है, ठीक है। बड़े मछली में इसको फैलना थोड़ा टाइम लगता है, बट छोटे मछली में इमिडिएटली फैलता है, एकदम सीवियरली फैल जाता है। और अगर आप क्लिनिकल साइंस आप देखते हो ना, जो मछली को अगर आप लेते हो ना, आपको देखना है कि जेली जैसा हो चुका है, कहीं पे फुला हुआ है, थोड़ा रेड डिस पैचेस है उसमें, व्हाइट कलर का थोड़ा कॉटन जैसा है, और मछली थोड़े दिन के बाद फिर मछली का आंख जो होता है ना, वो थोड़ा व्हाइट कलर का हो जाता है, थोड़ा डैमेज होना चालू होता है, ठीक है। तो और स्किन भी थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना चालू होता है, और एक व्हाइट कलर का जो जेली जैसा होता है वो बॉडी में स्किन पे भी रहता है, और पूंछ तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। तो नेक्रोसिस, हेमोरेज, ये सब तो है ही, तो ये सब आपके क्लिनिकल सिग्नल है, ये जो आपको देखते आपको पता चल जाएगा आपको मछली को ये प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। नाउ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, नाउ प्रॉब्लम है जब हम लोग को कुछ भी मछली को डिजीज होता है, हम लोग पिक्चर देख के, डायग्राम देख के, क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं है, ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं खुद से कि ये क्या प्रॉब्लम क्या है। अगर आप देखते हो ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर है, अगर आपको मैंने दिखा दिया तो आपको लगेगा भाई ये तो सेम ही है, ठीक है। ये जो है सेप्रोलैग्नियासिस, ये फंगल डिजीज है, इसका पूंज देखो। ये जो है ये फिन रॉट एंड टेल रॉट डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ये सेफ्रोलैग्निया पैरासाइटिका से होता है, और ये जो होता है आप देख सकते हो नाम, ये बैक्टीरिया से होता है और ये फंगस से होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट बेसिक हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए, हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे पहचाने, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे पहचाने, फंगल फंगस कौन सा किस कितना पहचाने, ये 3 चीज हम लोगों को पहचानना होना ही है। आप मेरे फार्म में आओगे तो हम आपको सिखाएंगे माइक्रोस्कोप से आप कैसे, एटलीस्ट ये 3 चीज समझ लो आप, बाकी का तो आपका सारे काम हो गया। इन्फेक्शन हो गया उसके स्टेनिंग करो, आप देख लो फंगस है कि बैक्टीरिया है, उसके हिसाब से एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल मार दो, आपका झमेला खत्म, क्योंकि आपके आसपास तो डॉक्टर नहीं है मछली का डॉक्टर। आप अपने जो जिंदा सैंपल है उसको लेके जाके डॉक्टर के पास जाओगे, उसको दिखाओगे, तब तक आपका मेडिसिन आएगा, नहीं तो आपको तुक्का खेलना पड़ेगा। तो बेटर है भाई आप स्लाइड लो, 3,000 रुपये में माइक्रोस्कोप आता है, स्लाइड लो, 2 दिन केमिकल होता है, स्टेनिंग कर लो, आप कंफर्म हो जाओ ग्राम बैक्टीरिया है कि फंगस है। अगर बैक्टीरिया है तो ग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों का मेडिसिन अलग होता है, या थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है, तो बहुत ईजी है, आपको आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए और करना ही है, क्योंकि दोस्तों ये जो फंगस है ये कभी भी माइक्रोस्कोप के अंडर वैसे हाइपे जैसा आता है लंबा लंबा, ठीक है, ब्रांचेस वगैरह आता है, और जो बैक्टीरिया होता है ये आपके अगर बैसिलस से तो राउंड राउंड डॉट 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 आता है गोल गोल, और अगर कॉक्का से तो थोड़ा ऐसे बीन शेप, थोड़ा हाँ किडनी शेप जैसा आता है, छोटे 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 छोटे। तो ये आप आराम से माइक्रोस्कोप पर देख सकते हो, उसके हिसाब से आप मेडिसिन दे सकते हो। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जो भी थोड़ा दिक्कत लेके मेरे फार्म आएंगे मैं उनको सिखाऊंगा हैंड्स ऑन, आपको खुद बनाने के लिए सिखाऊंगा, आपको खुद देखने के लिए सिखाऊंगा कैसे देखना है कैसे पहचानने, फिर आप कॉन्फिडेंटली मेडिसिन दो, डॉक्टर आपको मछली का डॉक्टर आपको मिले या ना मिले, फंगस ऐसे होता है देखने में अंडर माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों अभी मैं शॉर्टकट में बताऊंगा इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट 2 टाइप का है, एक है एक्सटर्नल एक है इंटरनल। एक्सटर्नल जो आपको बाहर से दिख रहा है, ठीक है। तो पहले सपोज तो मछली अगर बहुत छोटा है तो आप सेमी ट्रीटमेंट जैसे करोगे, बट उसको आप सारे मछली को हॉस्पिटल टैंक पे ले जाओगे, और जो बहुत सड़ गया है, गला हुआ है मछली, ठीक है, उसको आप निकाल दो,
और कभी भी जब मछली आप हैचरी से लाते हो ना, डायरेक्टली टैंक पे मत डालना, हॉस्पिटल टैंक में 7 दिन रखना, उसको ऑब्जर्व करना, फिर हेल्दी मछली को ट्रांसफर करके लेके जाना। बट आपके अगर टैंक ऑलरेडी भरा पूरा है और मछली को इन्फेक्शन हो गया, तो पहले स्टेप क्या करना होता है, ठीक है, तो टैंक का थोड़ा पानी कम कर दो, सपोज 3.5 फीट है, तो उसको 1 फीट 1.5 फीट तक लेके आओ, जहाँ पे मछली ठीक से आराम से हो जाता है। फिर उस पर पोटेशियम परमंगनेट या तो मिथिलिन ब्लू या तो कॉपर सल्फेट, उसको तूतिया वो बोलते, तूते भी बोलते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज मिथिलिन ब्लू छोटे बच्चे हैचरी में यूज़ करते हैं, ये 1 ग्राम पर 1000 लीटर हम यूज़ करते हैं। पोटेशियम परमंगनेट या तूतिया भी उसके आसपास ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको आप पानी पे आराम से मिक्स करो, ठीक है। उसके बाद मछली को 2 से 3 मिनट रखो, फिर वो सारे पानी ड्रेन आउट कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर से ऑलमोस्ट उतना पानी डालो जहाँ पे मछली थोड़ा सस्टेन हो जाए, ठीक है, 1-1.5 फीट का पानी। उसमें नमक का थोड़ा सोल्यूशन डालो, ठीक है, उसको भी मछली को 2-3 मिनट रखो, फिर उसको ड्रेन कर दो, ठीक है। ये चीज़ जब आपका हो जाता है ना, उसके बाद आपको एंडोफ्लॉक्सिसिन, ठीक है, ये आपके एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। इसका लिक्विड फॉर्म भी आता है, इसका पाउडर टैबलेट फॉर्म भी आता है। लिक्विड फॉर्म आप ले लो, उस पर 2 से 3 ढक्कन, ठीक है, सिमिलरली 1.5 फीट वाटर में डाल के उसको मछली को 10 से 12 घंटा रखना है, ठीक है, 10 से 12 घंटा। उसके बाद ये मेडिसिन निकाल देना धो के, फिर फ्रेश वाटर देना, फिर मछली को फीड देना है। ये रखने के बाद अगेन नेक्स्ट डे 12 घंटे के बाद फिर से सेम डोज रिपीट करना है, फिर से उसको 10 घंटा रखना है, ठीक है। ये जब हो जाता है ना, उसके बाद आपका जो बैकअप जो फ्लॉक होता है, उसके बाद आप फ्लॉक से आप चालू कर सकते हो, आपको मेडिसिन भी चालू करना होता है, ठीक है। तो मेडिसिन आपको फीड के साथ चालू करना होता है, आपको फ्लूकोनाजोल देना होता है, ठीक है, ये आपके एंटी फंगल है, क्योंकि गट पे जाता है तो बॉडी के अंदर भी ये मेडिसिन चाहिए होता है। ऑन एन एवरेज अगर बायोमास से जाऊंगा तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा, लेकिन जो आप मार्केट में आपको 120 ग्राम mg का मिलता है, वो 1 kg फीड में आप ऑन एन एवरेज ऐड करो, 3 से 5 दिन दो। और सेकेंडरी आपको क्या होता है ना, उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी चालू होता है, इसलिए एंडोफ्लॉक्सासिन का आप इधर टैबलेट लेके आओ या तो एमोक्सिसिलिन टैबलेट लेके आओ, 1 ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव पे थोड़ा डिपेंड करता है, बट आपको उतना नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक भी मेडिसिन जाता है ना उसका 150 mg पर 1 kg फीड पे, ठीक है। उसको डस्ट बना लो, पानी के साथ मिक्स कर लो, आपका जो फीड होता है उसमें थोड़ा सोख लो, जब सूख जाएगा तो मछली को आप खाना खिलाओ। 3 से 5 दिन में आप ये करो, और ऊपर वाला जो मैंने बताया था, ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली करते जाओ, और मुझे लगता है कि आपके मछली ठीक हो जाएगा। तो यही है। और दूसरी बात है कि भाई हम लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, हम तो मछली का डॉक्टर नहीं है। अगर आपको मछली का डॉक्टर आसपास मिले, ये ऑलवेज एडवाइस है कि आप अपना मछली के डॉक्टर के पास लेके जाओ मछली, उनको दिखाओ, और वो जो सजेस्ट करते हैं आप वही करो, ठीक है। ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए है, अगर आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं है तो आप प्राइमरीली इतना कुछ कर लो तो थोड़ा आप बच जाओगे। हाँ, दूसरी बात मैं बताना भूल गया, ये जो हम कॉपर सल्फेट हमने जो बोला था तूतिया, ये आप अवॉइड ही करो तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप मछली के देते टाइप कोई भी गड़बड़ी होता है, अगर आपके मुंह पे जाता है तो आपका जान भी जा सकता है, ये बहुत खतरनाक पॉइजन है, ठीक है। तो आप पोटेशियम परमंगनेट या मिथिलिन ब्लू से काम चला लो, ठीक है, और आप तूतिया से थोड़ा दूरी रहो, कॉपर सल्फेट मछली के लिए ये सही है, ठीक है, जितने भी तूतिया ने बोला है सब सही बोला है, कोई गलत नहीं है, बट अगर आप पे चूक होता है, आपके पेट के अंदर पे जाता है, तो आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे फॉर श्योर, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, जय हिंद।